तमिलनाडु मंत्री का ऑडियो टेप वायरल होने के बाद सीएम स्टालिन करेंगे कैबिनेट में फेरबदल। नमस्कार, मैं हूं सोनी और आपका स्वागत है ई इंडिया न्यूज नेटवर्क में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन विदेश दौरे पर जाने से पहले अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यह फेरबदल अगले 2 सप्ताह के अंदर हो सकता है। गौरतलब है कि सीएम स्टालिन ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल का फैसला बीते दिनों उनकी कैबिनेट के मंत्री को लेकर आए कथित ऑडियो टेप के बाद लिया है। राज्य मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं, जो राज्य में विधायकों की कुल संख्या के 15% की अधिकतम सीमा पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर किसी को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो इसका मतलब साफ है कि किसी न किसी कैबिनेट मंत्री को अपना पद छोड़ने के लिए कहा जाएगा। जिन नेताओं को शामिल करने की उम्मीद जताई जा रही है, उनके नामों की तो राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। वहीं पार्टी से बाहर किसे निकाला जाए, यह तो वक्त ही बताएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ डीएमके नेताओं का मानना है कि मन्नारगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले डीएमके विधायक टीआरबी राजा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि वह 3 बार के विधायक और डीएमके सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री टीआर बालू के बेटे हैं। कैबिनेट में जिन अन्य लोगों को जगह मिल सकती है, उनमें विधायक ई राजा और शंकरन कोविल का भी नाम शामिल है। वहीं दूसरी ओर कुछ नेताओं का कहना है कि कम से कम 2 मंत्रियों जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उनको इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर पलानीवेल त्यागराजन इस फेरबदल से बच पाएंगे। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने पीटीआर ऑडियो फाइल को सस्ती राजनीति कहकर खारिज कर दिया था। इस ऑडियो में मंत्री द्वारा कथित तौर पर स्टालिन परिवार की संपत्ति के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे ई इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।